नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे 10 उन प्राकृतिक उपायों के बारे में जिन्हें अपनाकर हम अपने अपर लिप्स के बाल को यानी कि हेयर्स को हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर अपर लिप के बाल आपको भी अक्सर शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं और विभिन्न उत्पादों को इस्तेमाल करने के बाद भी आपको प्रभावी ढंग से होठों के बालों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं दोस्तों, जिन्हें अपनाकर आप अपर लिप्स के हेयर्स से छुटकारा पा सकते हैं। चेहरे की सुंदरता को कम करते हैं ये अपर लिप्स के बाल। दोस्तों, अपर लिप पर बाल आना महिलाओं की आम समस्याएं हैं। महिलाओं में अनचाहे बालों का विकास हार्मोन्स या आनुवंशिक कारणों से होने लगता है। हालांकि अपर लिप्स के बालों को हटाना थोड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे चेहरा भद्दा और गंदा लगता है। अगर अपर लिप के बाल आपको भी अक्सर शर्मिंदगी में डाल देते हैं और विभिन्न उत्पादों को आप इस्तेमाल करने के बाद भी इन्हें नहीं हटा पाते हैं, तो हम आपको ये प्रभावी उपाय बता रहे हैं दोस्तों, जो कि घरेलू हैं बिल्कुल। हल्दी और पानी। जी हाँ दोस्तों, अपर लिप के बालों को हटाने के लिए हल्दी सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए एक बड़ी चम्मच हल्दी में इतना पानी मिलाएं कि इससे गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इस पेस्ट को अपने होंठों के ऊपरी हिस्से में धीरे धीरे लगाएं। आधा घंटे इस पेस्ट को ऐसे ही लगा रहने दें, फिर धीरे धीरे रगड़कर इसे साफ कर दें। इस उपाय को 4 सप्ताह तक नियमित रूप से करने से अपर लिप्स के बाल गायब या उनके विकास में रुकावट आ जाएगी। दोस्तों, नींबू चीनी एवं पानी। 2 नींबू के रस को निचोड़कर इसमें थोड़ा सा पानी और चीनी का पतला पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने अपर लिप्स के हेयर्स पे लगाइए। ये धीरे धीरे आपके अपर लिप्स के बाल को हटा देगा दोस्तों, या उनकी वृद्धि को रोक देगा। अपर लिप के बाल को हटाने के लिए अंडे की सफ़ेदी एक और अच्छा उपाय है। दोस्तों, इस पेस्ट को बनाने के लिए आप 1 अंडे की सफ़ेदी में 1 चम्मच आटा और चीनी को मिला लें। फिर इस पेस्ट को अपने होठों के ऊपरी हिस्से में लगा लें। इस पेस्ट को कम से कम 30 मिनट के लिए लगा रहने दें। अच्छे परिणाम पाने के लिए 1 सप्ताह में 2 बार इस थेरेपी को दोहराएं। 1 महीने के अंदर आपके बालों का विकास काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों, हल्दी एवं दूध। यह ऊपरी होंठ के बाल हटाने का सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों। फिर इस पेस्ट को अधिक मात्रा में आप बना लीजिए, यानी कि हल्दी और दूध। दूध में हल्दी को डाल करके आप गर्म कर लें। थोड़ा सा दूध मिलाकर पतला जब ये गर्म हो जाए दोस्तों, तो उसको अपने अपर लिप्स पर लगा दें और इसे सूखने दें। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके अपर लिप्स के बालों का विकास रुक जाएगा। दोस्तों, गेहूं का चोकर। गेहूं का आटा छानने के बाद जो चोकर बच जाता है, वह भी अपर लिप्स के बालों को हटाने में फायदेमंद होता है। इसके लिए 3 चम्मच गेहूं के चोकर में 1 चम्मच गुलाब जल और 1 बड़ा चम्मच दूध मिलाएं। फिर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर स्क्रब करें। इसे कुछ मिनट तक रहने दें। जब यह सूख जाएगा तो चेहरा धो लें। 1 हफ्ते तक रोज इस उपाय को अपनाएं। धीरे धीरे आपके अपर लिप के बाल हटने लगेंगे। दोस्तों, चीनी। चीनी के कई प्रयोग हैं और उनमें से एक अपर लिप के बाल हटाना भी मुख्य उपयोग है। दोस्तों, चीनी मृत त्वचा को हटाकर बालों को जड़ से निकाल देती है। इसके लिए एक कड़ाही में बड़ी चम्मच चीनी को मिला लीजिए पानी में अच्छे से, और जब ये उबल जाए तब चीनी को अच्छे से घुल जाए, जब चीनी पानी में और उबल जाए, फिर इसे अपने अपर लिप्स पर कॉटन की मदद से लगा लीजिए। जब ये गाढ़ा पेस्ट हो जाए, फिर होंठों के ऊपरी हिस्से पर आप इसे लगा करके रहने दीजिए, सूखने दीजिए। जब ये पूर्णतः सूख जाए दोस्तों, यानी कि 20 से 40 मिनट के बाद आप इसे हटा दीजिए। फिर आपके अपर लिप्स के बाल उगने
बंद हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। दही, बेसन एवं हल्दी। बेसन और दही को मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा मुलायम होने के साथ साथ ही बाल रहित भी होती है। इसके लिए थोड़ा सा दही लें, उसमें बेसन को मिक्स कर लें। एक चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को सूखने तक अपने अपर लिप पर लगाएं। सूखने के बाद पेस्ट को हल्के हाथों से रगड़कर पानी से धो लें। इस पैक को आप रोज भी लगा सकते हैं। नियमित रूप से इस पेस्ट को लगाने से अपर लिप के बाल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।